Hello dear students. We are in the series of sentence and its kinds. Today, in interrogative sentence, we will study verbal or yes no question. Verbal or yes no type. Guys, as interrogative sentence, Jin Kishurvat verb to be your helping verb se ho. That is known as verbal or yes no question. Or verbal or yes no type. You can see here interrogative sentence of verbal or yes no type. स्टार्ट विद वर्ब टू बी ऑर हेल्पिंग वर्ब इंटरगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्गुए स्टार्ट विद क्या हिंदी yes लैंग्वेज में वर्बल और यस नोटाइप सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है यह अलग बात है जब उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं बल्कि शुरुआत वर्ब टू बी वाला सेंटेंस है तो वॉब टू बी से और वो वर्ब टू का सेंटेंस है तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस फर्स्टली सेंटेंस ऑफ वर्ब टू बी वर्ब टू बी देन सब्जेक्ट देन नाउन ऑब्लिक प्रीपोजिशन प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस नाउन ऑब्लिक इसके आगे लगा के लिख सकते हैं एडवो प्लस ऑब्लिक एडवो प्लस प्लस नाउन क्वेश्चन मार्क क्या मैं सच्चा नहीं हूं एम ए नॉट ट्रूथफुल एंड एक दूसरा आंसर है आंट आई ट्रूथफुल यस गाइज एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म इंटेगेटिव सेंटेंस में आंट होता है असर्टिव में नहीं बनता है एक बात हम लोग भूल गए कि यस और नो टाइप इन्हें क्यों कहते हैं वर्बल टाइप तो समझ में आता है कि सेंटेंस की शुरुआत वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो वर्बल टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस है यस नो टाइप वाई क्योंकि इस तरह के सेंटेंस का जो जवाब होता है क्या मैं सच्चा नहीं हूँ या तो ये यस में होगा या तो नो में होगा इसीलिए वर्बल टाइप के अलावा इन्हें हम यस नो टाइप भी कहते हैं क्या तुम गुनहगार नहीं हो आंट यू गिल्टी क्या तुम गलत नहीं थे व यू नॉट ऑन मिस्टेक व यू नॉट ऑन मिस्टेक या वेकन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता अगर नॉट है सेंटेंस में तो और अगर नॉट को आप सब्जेक्ट के पहले लाना चाहते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू बी के साथ जोड़ करके शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं क्या वह नीरस इंसान है इज ही बोरिंग पर्सन क्या वो जा चुकी है इज शी गॉन इसके लामा एक दूसरा आंसर है शी ग बट ये प्रेजेंट परफेक्ट में है इज शी कौन इज शी गॉन वर्ब टू बी में है इ शी गॉन मे गॉन पास पार्टिसिपल है जो एजेक्टिव का, का काम कर रहा है और है शी गॉन मे गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म यह भी पांच पार्टिसपल है बट ये वर्ब का काम करता है आई होप आप लोगों ने इसका डिफरेंसेज पढ़ा होगा शी इज गॉन या शी हैज गॉन कहा पढ़ा होगा टेंड एक्सेप्शन के पार्ट वन पार्ट में क्या तुम्हारा मोबाइल खो गया है इज योर सेलर फोन लॉस्ट इज योर सेलर फोन लॉस्ट नाउ सेंटेंस ऑफ वर्ब टू हैव एंड वर्ब ऑफ एक्शन इनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी देन सब्जेक्ट देन नॉट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क और अगर शॉर्ट फॉर्म में नॉट को सब्जेक्ट के पहले लाना है शॉर्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा एच वी एंड पोस्ट ऑफ यू टी देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आपको कोई शिकायत नहीं है डोंट यू हैव एनी कंप्लेंट क्या उसमें कोई हुनर नहीं है डजेंट ही हैव एनी स्किल क्या मेरी आंखों में गुस्सा था डिड आई हैव एंगर इन माई आइज़ क्या उसके पास ठहरने का इंतज़ाम नहीं होगा वॉन्ट ही हैव फैसिलिटी टू स्टे या वॉन्ट ही हैव अरेंजमेंट टू स्टे वॉन्ट का फुल फॉर्म्स विल नॉट है तो वॉन्ट ही हैव फैसिलिटी टू स्टे फैसिलिटी की जगह आप अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं क्या उसने मेरी बुराई की डिड ही स्पीक इल ऑफ मी आप देख सकते हैं सारे के सारे सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वॉब से होती है सेंटेंस अलग अलग हैं बट शुरुआत हेल्पिंग वॉब से होती है क्या आप मेरा काम करा सकते हैं कैन यू गेट माई work डन अब अगर इनमें आप लोग को समझ में ना आए कि ये टेंस कैसे पकड़ना है टेंस कैसे ढूंढना है या गेट माई वर्क डन में ये कौन सा टेंस है जैसे गेट माई वर्क याद करिए हमने पॉजिटिव वर्क पढ़ाया है मे कैन गेट का यूज़ तो वहाँ से हमने लिया है सेंटेंस यहाँ बताना है टेंस नहीं टेंस के लिए आप टेंस एंड एक्सेप्शन के पार्ट्स को पढ़िए क्या आप मेरा काम करा सकते हैं कैन यू गेट माई वर्क डन क्या आप अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हैं आंट यू अशेम्ड ऑफ योर मिस्टेक ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है आंट यू अशेम्ड ऑफ योर मिस्टेक क्या उसे नौकरी से निकाल दिया गया है इज़ ही फायर्ड क्या तुम अब चुप नहीं रहोगे वॉन्ट यू हश नाउ वांट यू विल नॉट वॉन्ट का मतलब विल यू नॉट हश नाउ वॉन्ट यू हश नाउ एच यूएसएच हस नाउ क्या उसने मेरी हसी नहीं उड़वाई नॉट did का शॉर्ट फॉर्म क्या डिड ही नॉट मॉकमी क्या आप अपना घर किराए पर देंगे विल यू रेंट आउट योर होम क्या बूंदाबादी हो रही है इज इट ड्रिजलिंग क्या आप हाफ रहे हैं टिंग गाइज आप देख सकते हैं टेंस कुछ भी है चाहे वह प्रजेंट इंडिफिनिट में है चाहे पास्ट इंडिफिनिट चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसे आप देखें क्या आप हाफ हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है बट यहाँ हम लोग टेंस नहीं पढ़ेंगे टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है टेंस एंड एक्सेप्शन के जरिए यहाँ हम ये बता रहे हैं कि ये किस तरह का सेंटेंस है आपकी शुरुआत सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है हेल्पिंग वर्ब से वर्बल छाई सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है वर्ब टू बी से है, वर्बल टाइप इसे यस नो टाइप क्यों कहते हैं क्योंकि हर वर्बल टाइप के सेंटेंस का हर जवाब या तो यस में है या तो नो में इसलिए यस नो टाइप कहते हैं लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल क्या आप हाफ रहे हैं आर यू पेंटिंग क्या आप हिचकिचा रहे हैं आर यू हेजिटेटिंग तो गाइज प्लीज आप टेंस के सेंटेंसेस के साथ साथ टेंस के रिवीजन ज़रूर कीजिए देन यू कैन नो कि प्रेजेंट इंडिफ़िनिट प्रेजेंट परफेक्ट पास इंडिफिनिट या मॉडल कैसे ढूंढे जाते हैं या कैसे सीखे जाते हैं ऑलरेडी आई हैव थॉट इन माई वेरियस वीडियोज़ प्लीज़ टेक केयर थैंक यू सो मच